सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आर्यन भदौरिया है और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीडीएस मैथमेटिक्स के प्लान के ऊपर आपके अपकमिंग 57 डेज के लिए। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ 57 डेज आपके एग्जाम में रिमेनिंग, और अगर आप टारगेट कर रहे हैं आईएमए, एएफए या आईएनए, तो आपको सीडीएस मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम सीडीएस मैथ्स की बेसिकली बात करें, अगर हम मैथ्स की पर्टिकुलर बेसिकली बात करें, तो आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन नहीं करने। जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, जो बंदा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पीछे भागता है उसका भी एग्जाम नहीं निकलता है, जो बंदा 30 क्वेश्चन करके आता है उसका भी एग्जाम नहीं निकलता है, जो बंदा सिर्फ एवरेज यानी कि 60 to 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है एक्यूरेसी के साथ, उस बंदे का एग्जाम इजिली क्रैक हो जाता है। क्योंकि अगर आप 60-65 नंबर मैथ में ले आएंगे, 70 नंबर आपके इंग्लिश में होते हैं और 20 नंबर आपके जीके में, तो इजिली आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाता है। अगर हम इसकी फर्दर बात करें, 57 डेज को अगर हम ब्रेक करें, तो 30 डेज आपके सिलेबस के लिए डेडिकेटेड रखिए आप, और 18 डेज आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर हम सिलेबस में ही बात करें, तो मैंने पिछले वीडियो में जो है कवर किया था कि आपको कौन कौन से चैप्टर जो है उनका ज्यादा वेटेज है, तो इसमें भी अगर आप प्रायोरिटी दें, सबसे पहले आप नंबर सिस्टम कम्प्लीट करिए, क्योंकि नंबर सिस्टम के 20 to 22 क्वेश्चन हर हर पेपर में आते हैं, और नंबर सिस्टम काफी इजी टॉपिक है, ये आपका जल्दी भी हो जाएगा 5-6 दिनों में, तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा कि आपने लगभग पेपर का जो 20% पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। नंबर सिस्टम के बाद आप जाइए परसेंटेज एंड रेशियो पे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका हल्का सा बेस बनाएगा मैथ्स में, जिससे आपको इन सारे जो चैप्टर्स हैं इनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, खासकर की मेजुरेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह मेजुरेशन में ज्यादा होती है। अगर आप परसेंटेज रेशियो के बाद आप जाइए ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री भी बेसिकली इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ये मेन आप इन पांच टॉपिक्स को अगर आप दिन के पांच 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 दिन भी दोगे तो भी मोर देन सफिशियंट है इजिली आपके प्रिपरेशन के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी वही दो चीजें हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, बेसिकली आपके 2 डेज लेगा, मोर देन इनफ है 2 डेज इसके लिए, और बेसिक रेशियोज के लिए आप 3 दिन डेडिकेट कर सकते हैं। ज्योमेट्री में आपके बेसिकली 5 चीजें हैं, 5 चीजों के लिए आप एक एक दिन रखिए, 1 दिन ट्राइंगल, 1 दिन सर्कल, 1 दिन पॉलीगन, पॉलीगन आपका बेसिक छोटा सा है तो पॉलीगन आप क्वाड्रिलेटरल मिक्स भी कर सकते हैं, और 1 दिन ट्राइंगल। एलजेब्रा बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लास्ट में करें, इससे पहले आप मेंसुरेशन में जाएं। मेंसुरेशन में 2D + 3D ये 2 चीजें हैं। 2D में आपका इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ फिक्स पैटर्न्स हैं, अगर आप किसी बुक को रेफर कर रहे हैं तो दिशा पब्लिकेशन में उनका डायरेक्ट सोल्यूशन दे रखा है, आप उसको एक तरीके से याद भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पैटर्न है उनका आपको प्रूफ एग्जाम में करके नहीं दिखाना, सिर्फ उनके जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो आपको अप्लाई करने, और ये सिर्फ एक दो पैटर्न है, बस आपको डायरेक्ट रिजल्ट उनका याद रखना। अगर आप 3D की बात करें, 3D में आपको बेसिकली मेन है उसके फॉर्मूलाज, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली अपना जो मैक्सिमम टाइम है प्रिपरेशन का वो इन 6 टॉपिक्स में डिवोट करना है, बाकी जो आपका टाइम बचता है उसमें आप जो इजी इजी टॉपिक्स हैं SICI उनके फॉर्मूले वगैरह पढ़ के जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी दिन बचे मेन ध्यान जो रखिए आप फॉर्मूले याद करने पर ही, क्योंकि आपने अगर कहीं से मैथ पढ़ा है पहले से तो आपको एक हल्की फुल्की नॉलेज होगी सारे सिलेबस की, तो आप फॉर्मूला याद कर लिए। पेपर में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं फॉर्मूले पे जो कि आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आना चाहते। लास्ट के हम 18 डेज की बात करें, तो आप मेरे ख्याल से इन 18 डेज में कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें, अपना मेन फोकस रखें मॉक्स पे, मॉक्स मॉक्स जितने ज्यादा मॉक्स दे सके आप उतने मॉक्स दीजिए, और मेन फुल मॉक दीजिए। फुल मॉक में भी आप क्या करिए कि आप OMR शीट का एक प्रिंटआउट निकलवाइए, अपने क्वेश्चन को जो है वो ऑनलाइन किसी लैपटॉप पे प्रेफर करिए, लैपटॉप पे लाकर आप OMR शीट फिल कीजिए पर्टिकुलरली 2 घंटे के टाइम में, और 2 घंटे से भी मैं पहले आपको कहूंगा कि 1 घंटे 55 मिनट में करिए, क्योंकि 5 मिनट वो शीट भरवाने के लिए एग्जामिनर जो है वो लगभग ले लेता है आराम से, और जितनी प्रैक्टिस कर सके आप उतनी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस भी आलतू फालतू नहीं कि यूट्यूब गए कोई सा भी वीडियो खोला प्रैक्टिस कर ली, ऐसे नहीं होता, सिर्फ PYQs पे प्रेफर करिए। PYQs में आप पर्टिकुलरली दिशा पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कीजिए, दिशा पब्लिकेशन की बुक जो है काफी अच्छी बुक है, इसमें 1999 से लेके अभी तक का जितना भी सीडीएस का पेपर हुआ है, आई डोंट नो पर्टिकुलरली, तो उतने उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को रेफर करिए तो आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो लास्टली 57 डेज है, ये उसमें नहीं है कि मेरा तो सिलेबस नहीं हुआ है मैं क्या करूँ, अब मेरे से मैथ्स नहीं होगी, ये नहीं होगी, आपके पास अभी भी 57 डेज है। अगर आप ढंग से स्ट्रेटेजिकली पढ़ेंगे मैथ्स को तो आप इजिली एग्जाम में मोर देन 55 to 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप इनको सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, लिंक बना के पढ़ेंगे, तो आपको किसी भी चैप्टर में ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। और आप सोचे कि अगर जादू हो जाएगा मेरे को एग्जाम में जाके मैं ज्यादा क्वेश्चन कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, आपको पहले अपने आप को घिसना पड़ेगा, और मैथ एक ऐसी चीज है जो कॉपी पेन पे करने से ही आती है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और आपको मैथ आ गई। मैथ जब तक आप कॉपी पे सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक कॉपियां नहीं भरेंगे तब तक मैथ्स नहीं आने वाली है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, एज सिंपल एज दैट। तो होप सो आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो और ये आपके प्रिपरेशन में हेल्प हो। थैंक यू।